अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक न्यूज़ पी के उर्दू की जानिब से मैं हूं शहरियाज। आज आपके पास अनबॉक्सिंग की वीडियो का रिव्यू लेके आया हूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक न्यूज़ पी के उर्दू की जानिब से मैं हूं शहरियाज। आज एयरपोर्ट के हम रिव्यू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस दिखाया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या टेबल कंटेंट था, सारा उसमें आपको मैंने चेक करवाया था। काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो बोर हो जाता है और कोई लोग पर्सन देखते नहीं है वीडियोस को, तो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट की। तो उसके अंदर वो रिव्यूज़ कवर नहीं थे हो सकते और ना ही जो डिटेल मैंने इसमें बतानी थी आपको, तो वो कवर नहीं थी की जा सकती। 10 मिनट की वीडियो बनाना मेरे लिए कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एक्सपीरियंस, इसकी वॉइस क्वालिटी क्या है, ये कितने के मैंने बाय किए थे, आप लोगों को ये बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का जो बहुत ज़्यादा आजकल वीडियो में इसकी वायरल हुई पड़ी है कि नॉइज़ कैंसिलेशन है, M2 की चिप लगा दी है, ये चीज़ जो है इसमें क्या वाकई वर्क करती है या नहीं करती, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, सारा आज आपसे इसको एक्सप्लोर करके बताता हूँ मैं। दूसरा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखिएगा और मुकम्मल देखा करें, क्योंकि कुछ लोग वीडियोज़ को मुकम्मल नहीं देख रहे और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे वो वीडियोस को देखते नहीं हैं, नॉन सब्सक्राइबर जो हैं वीडियोस को देखते हैं। और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्यों वो सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियोस देख लेते हैं और फ़ायदा लेते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें इसकी सबसे पहले मैं बैटरी टाइमिंग आपको बताता हूँ कि इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है। ये अगर मैं डेली यूज़ करूँ एक चार्ज के ऊपर, मतलब मैंने एक दफ़ा अगर इसको चार्ज कर लिया है तो चार्ज करने के बाद मैं इसको अपने पास यूज़ करता हूँ, कोई मूवीज़ देख रहा हूँ, कोई कॉल वगैरह सुन रहा हूँ, तो इसको मैं वापस रख देता हूँ। कोई एक बर्ड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा बर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो उसमें क्या मुझे इश्यूज़ आते हैं। मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 दिन मैंने इसको यूज़ किया और मुझे जो प्रॉब्लम आई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एक बर्ड यूज़ करते हैं, एक बर्ड यूज़ करने के बाद आप दूसरा बर्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि उसकी टाइमिंग और उसकी टाइमिंग में आपस में दोनों का फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क किस तरह से आएगा, फ़र्क किस तरह से आएगा कि आप जब इसको यूज़ कर रहे होंगे और इसकी टाइमिंग, बैटरी जो है वो इसकी बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरे को यूज़ करेंगे और बस ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि जब आपने दोनों को एट अ टाइम यूज़ करना होता है तो आपको पता नहीं चलता कि इसकी कितनी परसेंट चार्जिंग हुई है या नहीं हुई है। और आप इसको कान में लगा के और दोनों को लगा के यूज़ कर रहे होते हैं और यूज़ करने के दौरान में क्या होता है कि जब आप कोई मूवी देख रहे हों या कोई ऐसी लॉन्ग वीडियो देख रहे हों तो उसके अंदर जो कान आपने यूज़ ज़्यादा किया, मतलब जो बर्ड आपने ज़्यादा यूज़ किया होता है, वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, या तो बंद हो जाता है या तो उसके अंदर जो है आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये किया कि आप दोनों को इकट्ठा यूज़ करें, नहीं तो फिर आप सिंगल यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात यह है कि बैटरी लाइफ इसकी इस तरह से है कि एक दफ़ा आपने अगर इसको यूज़ किया है तो ये आपकी 2 घंटे की वीडियो जो है मुसलसल आपको चला के दे सकता है और फिर इसको वापस रखेंगे फिर आप इसको वापस अपने मतलब इसके केस के अंदर रख देते हैं चार्जिंग के लिए, तो 3 से 4 मिनट लगता है ये इसको फुल चार्ज कर देता है और उसके बाद जो है आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन कोई 5 से 6 दफ़ा टोटल आप इसके अंदर जो है केस के अंदर रख के बर्ड को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। उससे ये है कि जब आप इसको अपने कानों में लगा देते हैं और लगाने के बाद कोई वॉल्यूम अप करके वो सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसमें बहुत ही मतलब अच्छा साउंड आपको मिलता है, बेस वाला, बूफर वाला साउंड मिलता है। और ये भी नहीं है कि बेस और बूफर फट रही है, आवाज़ कट रही है और कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको आपने मतलब कोई हल्की क्वालिटी के एयरबड यूज़ कर लिए या हेडफोन यूज़ किया हुआ है। आपको पता होगा कि बेस वाला हेडफोन कैसा चलता है और उसमें बेस और झनकार और इस तरह की चीज़ें कैसी वर्क करती हैं आपको पता ही है।
तो उस तरह का इसमें जो है ना साउंड का है, क्वालिटी साउंड की इस तरह से है कि बेस वाली और बुफर वाली है, ठीक है। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन का जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें सबसे जो मुझे लगी है कि जब मैं इसको अपने बर्ड को कानों में लगा लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ ना, जब ये बर्ड फिट कर लेता हूँ कानों के अंदर, तो वैसे भी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है। दोनों को अगर मैं दोनों यहाँ पे कानों को लगा लूँगा ना, कोई भी बर्ड अगर मैं ले लेता हूँ, अगर वो आपके बर्ड कानों के अंदर फिट आ जाते हैं ना, बिल्कुल फिट आ जाते हैं, तो वैसे भी बाहर की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो इसको इन्होंने नॉइस कैंसिलेशन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, बस बाहर की आवाज़ अंदर क्या आनी है, आपने उसको एयर टाइट कर दिया कानों को। कानों को जब आप एयर टाइट कर देंगे, बाहर से हवा अंदर नहीं जाएगी, हवा के जरिए आवाज़ आती है, ट्रैवल करती है, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे बाहर से बात क्या हो रही है। तो थोड़ा सा भी वॉल्यूम जब आप अपनी एयर टाइट के अंदर, एयर टाइट बर्ड के अंदर, तो अपना थोड़ा सा भी वॉल्यूम आप करेंगे तो आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको नॉइस कैंसिलेशन वो कह रहे हैं। कोई भी आप वीडियो देखेंगे या अपनी कोई वॉल्यूम अप करके आप कोई म्यूजिक देख रहे हैं, तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन इस तरह से करती है काम कि ये बर्ड जो है आपके कानों में फिट हो जाते हैं बिल्कुल से। तो उन्होंने छोटे साथ में टिप्स भी दी हैं, अपने छोटे कान जिनके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े कान हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी मतलब कितने की मैंने परचेज़ की थी, आपको कितने की करनी चाहिए परचेज़ के नहीं, आपका इतना बजट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत सी प्राइस आ रही हैं, मतलब कम क्वालिटी का तो कुछ भी नहीं कोई बताता, सब यही बता रहे हैं कि ये नॉइस कैंसिलेशन है, M2 जनरेशन है, इस तरह करके सब बेची जा रहे हैं, एयरबड एक किस्म के ही हैं और प्राइस कम ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले 1500 रुपये की भी मिल रही है, 1800 की भी मिल रही है और 2500 की भी मिल रही है ये, और ये 3500 की भी मिल रही है। कुछ लोग जो हैं इसके साथ केस भी दे रहे हैं। अच्छा, केस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर ना स्क्रैचेस वगैरह पड़ रहे हैं काफ़ी। अगर मैं कैमरा क्लोज करके आपको दिखाऊँ तो इसमें देखें, इस वाइट कलर अगर परचेज़ करेंगे ना, तो वाइट कलर में देखें थोड़ी दिनों में ना स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, और उन स्क्रैचेस के अंदर ना डस्ट वगैरह चली जाती है। तो जब डस्ट चली जाती है तो फिर वो वाइट है, तो वाइट वैसे भी जो है ना वो आपको गंदा सा लगेगा, मैला मैला सा लगेगा, तो ये इस तरह से स्क्रैच लेस नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा इस तरह है कि ब्लैक कलर की अगर आप बाय करते हैं ना, तो उसमें स्क्रैचेस जो है ना वाजिया नहीं होते, और दूसरा वो थोड़ा सा उसका जो सरफेस है वो काफ़ी टफ़ किस्म का है, उसमें ब्लैक कलर में जो मैंने देखी है। और इसके साथ मिलता है इसका केस, अगर आप वो केस यूज़ कर लेते हैं ना, ऊपर की तरफ प्लास्टिक का केस चढ़ जाता है और नीचे की तरफ चल जाता है, तो बस वो क्या करता है, स्क्रैचेस से आपको बचाएगा। लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड के पास वो केस लगा हुआ देखा, वो बिल्कुल ही येलो हो गया, वो एक दो महीने से वो यूज़ कर रहा। तो वो जो अगर आपके पास कोई मोबाइल है ट्रांसपेरेंट, अगर आप उसका कवर चढ़ा के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो 2-3 महीने बाद वो जो है ट्रांसपेरेंट कवर येलो कलर का हो जाता है। तो इसके ऊपर जो अगर आप केस चढ़ा देते हैं, और वो केस क्या करता है, केसिंग जो है वो येलो हो जाएगी, लेकिन आपके जो है ना ये इसमें केस का जो है ना स्क्रैचेस नहीं इसमें पड़ेंगे इसको, और ये ख़राब नहीं होगा। इसमें क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, 3500 की मिल रही है, 2500 की भी मिल रही है, 1800 रुपये की भी ये मिल रही है, और चीज़ एक ही है। और कुछ लोग जो है केस भी इसका दे रहे हैं, ये लाइफ गार्ड भी दे रहे हैं साथ में, इसकी क्या उसका नाम है, चार्जिंग वाली केबल टाइप सी वाली भी आ रही है, और लाइटिंग केबल वाली भी मिल रही है। तो बहुत सी इसमें क्वालिटीज़ हैं, ये बटन वाली भी है, यहाँ पे अगर ये फुल चार्ज हो जाए तो आप यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से साउंड निकलता है। अब ये साउंड का सिर्फ यही है, किसी का अगर आईफोन है तो वो अपना यहाँ से ऐसे पॉप अप करता है, कनेक्टेड है तो वो वहाँ पर आपके पास पॉप अप शो कर देता है, और साउंड साथ में अच्छा फील होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये रिव्यू वीडियो जो है अच्छी लगी हुई होगी, और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।